इसी मैनहोल से लोग अंदर जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, इकोनोमाइजर का या फिर मेंटेनेंस का काम करने के लिए। जैसा इस तरफ है ना, ये इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह का सारा स्ट्रक्चर आपको राइट साइड की तरफ मिलेगा, टॉप पोजीशन में भी और मिडिल पोजीशन में भी। ये दोनों LRSB है, इसको LRSB बोलते हैं, लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर। किस तरह से कॉयल नीचे आती है, मतलब कि इकोनोमाइजर प्लेटफॉर्म पर, ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, ये इकोनोमाइजर का प्लेटफॉर्म है जो फैब्रिकेट हुआ है, इसे ऐड किया गया, ये एडिशनल प्लेटफॉर्म है। ये जो आप सामने CHP का एरिया देख रहे हो ना, ये पावर प्लांट का 60-70% एरिया कवर करता है, आपको पता होना चाहिए, इतनी दूर में होता है ये। और ये है मेन बॉयलर, देख लो। और इसी मेन बॉयलर को चलाने के लिए कोयला उस तरफ से आता है, वो CHP डिपार्टमेंट से। गाइज वेलकम टू अनदर डे, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई फ्रेश वीडियो में। ऑलवेज की तरह आज के इस वीडियो में भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, सो वीडियो में बने रहना, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलो आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों से शेयर करते हैं। इस वक्त मैं इकोनोमाइजर के टॉप पोजीशन पर हूँ और ये इकोनोमाइजर का लेफ्ट साइड का एरिया है जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हो। मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में आप लोगों को बताया था, जब मैं इकोनोमाइजर के बॉटम पोजीशन के अंदर गया था, तब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इकोनोमाइजर में टॉप, बॉटम और मिडिल होते हैं, मतलब अलग अलग एलिवेशन पर प्लेटफॉर्म बने होते हैं इस तरह के। ये देखो आप नीचे की साइड में, ये प्लेटफॉर्म है, तो इस तरह का अलग अलग एलिवेशन पर प्लेटफॉर्म बना होता है। और ये सामने की तरफ आप देखो, ऐसे मैन होल होते हैं टॉप, बॉटम और मिडिल, तीन पोजीशन में। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में, आप वो सारी वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इसी मैन होल से लोग अंदर जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, इकोनोमाइजर का या फिर मेंटेनेंस का काम करने के लिए। यहाँ पर टोटल 4 मैन होल हैं, फर्स्ट ये, सेकंड वो, थर्ड एंड फोर्थ। ये इस तरह के 4 मैन होल आपको मिडिल पोजीशन में भी मिलेंगे, बॉयलर के राइट साइड की तरफ भी मिलेंगे, मतलब ये इकोनोमाइजर का लेफ्ट साइड का एरिया है। ठीक एज इट इज़ ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, आप एक बार देख लो पहले, ये LRSB होता है, लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर, और ये दूसरा वाला। उसके बाद आप देख लो ये 4 मैन होल, उसके बाद ये जो भी आप देख रहे हो इस तरफ का, आप देख लो पहले, ये सारे हैंगर सपोर्ट, ये हैंगर सपोर्ट, ये सब कुछ आपको एज इट इज़ राइट साइड की तरफ भी देखने को मिलेगा। जैसा इस तरफ है ना, ये इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह का सारा स्ट्रक्चर आपको राइट साइड की तरफ मिलेगा, टॉप पोजीशन में भी और मिडिल पोजीशन में भी। ये इकोनोमाइजर का लेफ्ट साइड का एरिया है टॉप पोजीशन का, इसके नीचे मिडिल और उसके नीचे बॉटम। और ठीक आप उस तरफ में जाओगे राइट साइड की तरफ, तो आपको सब कुछ एज इट इज़ ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये LRSB, ये LRSB, ये दो इस तरफ में, दो आपको राइट साइड में, उसके बाद दो मिडिल पोजीशन में, और मिडिल पोजीशन के राइट साइड में भी दो। और ये LRSB का काम क्या होता है पावर प्लांट में, ये एक अलग टॉपिक है, और इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। अभी आप सिर्फ देख लो कि LRSB किस तरह की होती है। कुछ इस तरह की होती है LRSB थर्मल पावर प्लांट में, आप देख लो, ये फर्स्ट वाली और ये सेकेंड वाली, ये दोनों LRSB है, इसको LRSB बोलते हैं, लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर। अब आप कंफ्यूज मत होना कि सूट ब्लोअर और LRSB ये दोनों एक ही है। हाँ, ये मैं मानता हूँ इसका जवाब यस कि हाँ, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम होता है, पर हैं दोनों डिफरेंट। सूट ब्लोअर बिल्कुल अलग होता है LRSB से, मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह का सूट ब्लोअर होता है। और सूट ब्लोअर आपको सिर्फ बॉयलर के फर्स्ट पार्ट में ही देखने को मिलेगा, सेकेंड पार्ट में नहीं। पर ये जो LRSB है, ये आपको बॉयलर के फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में दोनों जगह देखने को मिलेगी जब आप थर्मल पावर प्लांट में आओगे। ये देखो LRSB का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ये लेके वहाँ तक वो एंड पॉइंट है, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है LRSB। कुछ इस तरह की होती है LRSB। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं बुक के सिलेबस में पढ़ा हो कि LRSB क्या होती है, कैसी होती है, तो देख लो आप, कुछ इस तरह की होती है LRSB, लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर। ये दूसरी इस तरफ में, ये इकोनोमाइजर के टॉप पोजीशन की LRSB है। ठीक ऐसे ही मिडिल पोजीशन में दो, उसके बाद राइट साइड की तरफ दो मिडिल पोजीशन में और दो टॉप पोजीशन में, मतलब कि टोटल 8, 4 लेफ्ट साइड की तरफ और 4 राइट साइड की तरफ। अभी मैं थोड़ी देर बाद जब राइट साइड की तरफ जाऊँगा, तब आपको उधर की जो चीज़ें हैं मैं दिखाऊँगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं राइट साइड की तरफ इकोनोमाइजर के। अभी फ़िलहाल आप लेफ्ट साइड की तरफ देख लो क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। इस सूट ब्लोअर के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किसी और वीडियो में। और इसी के साथ साथ वो जो सूट ब्लोअर मैंने बताया छोटा वाला जो फर्स्ट पार्ट में लगा होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसी वीडियो में आपको मिलेंगी, मतलब कि LRSB और सूट ब्लोअर दोनों की इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मैं शेयर करूँगा आप लोगों से।
चैनल स्टार्ट करने के बाद मैं फर्स्ट टाइम थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर प्रेशर पार्ट से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो आप जानना चाहते हो। अगर ऐसे में कुछ मिस हो जाता है, मान लो मैं ऐसे कोई भी चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ थर्मल पावर प्लांट में, लाइक ये LRSB के बारे में मैंने बताया थोड़ा सा, उसके बाद ये सामने की तरफ देखो हैंगर सपोर्ट, इसके बारे में मैंने आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया। और अगर मैं मिस कर जाता हूँ इस प्रोजेक्ट पर, ये LRSB की डिटेल अगर मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ इस प्रोजेक्ट पर, या फिर वो जो मैंने हैंगर सपोर्ट आप लोगों को दिखाया इसकी वीडियो अगर इस प्रोजेक्ट पर आप लोगों को नहीं मिलती है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मुझे जानना है LRSB के बारे में, हैंगर सपोर्ट के बारे में, बॉयलर ड्रम के बारे में, सेफ्टी वॉल्व के बारे में, जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप सिंपली कमेंट कर देना। फिर मैं आपके कमेंट को पिक करूंगा और उसे अच्छे से नोट डाउन करूंगा, और फिर मैं किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए किसी भी थर्मल पावर प्लांट में जाऊंगा तो वो सभी टॉपिक को एक एक करके कवर करूंगा जो आप जानना चाहते हो। सो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसे आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो सारी टॉपिक को कवर करूं जब भी मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे जाऊं थर्मल पावर प्लांट में। इसलिए अभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि पावर प्लांट की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, चाहे वो इन्फॉर्मेशन छोटी हो या बड़ी, एटलीस्ट आप लोगों को पावर प्लांट की सभी चीज़ों के बारे में पता हो। इसलिए मैं रैंडमली हर तरफ की वीडियो आप लोगों से शेयर करता हूँ पावर प्लांट में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, रियर में, फ्रंट में, अलग अलग एलिवेशन पर, अलग अलग एरिया में, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करता हूँ और आप लोगों से शेयर करता हूँ। पावर प्लांट की बेसिक नॉलेज सबको पता होती है, पावर प्लांट में कोयला कहाँ से आता है, कोयले से बिजली कैसे बनती है, पावर प्लांट कैसा दिखता है, ये मोटे मोटे तौर पर सब लोगों को पता होता है, पर चीज़ों को टेक्निकल तरीके से समझना ये बेटर होता है सबके लिए। और मैं वही कोशिश करता हूँ कि पावर प्लांट की सारी टेक्निकल चीज़ें टेक्निकल तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊँ, दिखाऊँ और बताऊँ कि पावर प्लांट टेक्निकली कैसे रन करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पावर प्लांट के इंटरनल एरिया में क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब कुछ किस तरह से वर्क करता है, अलग अलग एरिया के बारे में, अलग अलग लोकेशन के बारे में, अलग अलग एलिवेशन के बारे में, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, रियर टू फ्रंट, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ लगा होता है, उसका क्या काम होता है, यही सारी चीज़ें मैं समझाने की और दिखाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं ऑलवेज़ आप लोगों से एक बात बोलता हूँ कि मेरी जब भी आप वीडियो देखो तो वीडियो को स्किप मत करना, अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे तो आप बहुत सी चीज़ों को मिस कर जाओगे, बिकॉज मेरी एक ही वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसा नहीं है कि सेपरेट मैं पार्टिकुलर एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाता हूँ, यह मैंने स्टार्टिंग में किया है, बट आने वाली अब जो भी वीडियो होगी ना उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर होंगे एक ही वीडियो में। अभी देखो इस साइड में ये एक कॉइल ऊपर की तरफ आ रहा है, न्यू इकोनोमाइजर कॉइल। मैं वीडियो बनाता रहूँगा और बीच बीच में जो जो चीज़ें मुझे दिखेंगी, जहाँ भी दिखेंगी पावर प्लांट के जिस भी एलिवेशन पर या जिस एरिया में, जिस डिपार्टमेंट में, मैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा और आप लोगों से शेयर करूँगा, और ये कंटिन्यूसली ऐसा ही चलता रहेगा। तो इसलिए आप मेरी कोई भी वीडियो देखो तो उसे स्किप मत करना, बिना स्किप किए हुए एंड तक देखोगे तो आपको पावर प्लांट की वो सारी टेक्निकल बातें, जो टेक्निकल जानना ज़रूरी होता है, वो सब कुछ आपको समझ में आएगा। ये देखो गाइस किस तरह से कॉइल नीचे आती है, मतलब कि इकोनोमाइजर प्लेटफॉर्म पर, ये जो आप नीचे देख रहे हो ना ये इकोनोमाइजर का प्लेटफॉर्म है जो फैब्रिकेट हुआ है, इसे ऐड किया गया, ये एडिशनल प्लेटफॉर्म है, ये आप देख रहे हो ना, ये एस्बेस्टस, ये पूरा एस्बेस्टस था वहाँ तक। मैं आपको टॉप व्यू से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है आपको जब मैं उस फ्लोर पर था। आप मेरी पिछली वीडियो देखो, आप एक एक करके सारी वीडियो को चेक करो, मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वन बाई वन, वो सारी वीडियो को देखो तो आपको रिहन NTPC सुपर थर्मा पावर प्लांट की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारे एरिया की और सभी एलिवेशन की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक एक करके आप सभी वीडियो को चेक करो, तो ये पूरा एस्बेस्टस तो वहाँ तक था, वो उतने दूर में देखो प्लेटफॉर्म फैब्रिकेट किया गया, ये ऐड किया गया, एक्स्ट्रा एडिशनल प्लेटफॉर्म है ये, अब ये परमानेंट ऐसा ही रहेगा एज इट इज़। अब ये देखो सामने वो है CHP का डिपार्टमेंट, बोले तो कोल हैंडलिंग प्लांट। ये पावर प्लांट का 60-70% एरिया कवर करता है, आपको पता होना चाहिए, इतनी दूर में होता है ये। और ये है मेन बॉयलर, देख लो इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये एक इकोनोमाइजर का एरिया और उस तरफ में वाटर वाल का एरिया, मतलब कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। और इसी मेन बॉयलर को चलाने के लिए कोयला उस तरफ से आता है, वो CHP डिपार्टमेंट से। अब देख लो कैसे कैसे कोयला वहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। ये तो सिर्फ एक यूनिट है, यूनिट नंबर 1, इसके आगे 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 यूनिट है 500 MW की, और यहाँ 3000 MW इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो ना, इस एंड से लेकर उस एंड तक, मैंने आपको बताया भी है, ये दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, मतलब वो फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, इकोनोमाइजर LTSS कैरियर सेकेंड पार्ट
वाटर वाल फर्नेस एरिया फर्स्ट पार्ट। तो ये पूरा का पूरा मेन बॉयलर कहलाता है और यही एरिया पूरा प्रेशर पार्ट कहलाता है। और इसी मेन बॉयलर के लिए मतलब कि बॉयलर प्रेशर पार्ट के लिए जो कोयला आता है वो आता है ये सामने की तरफ देखो, यहाँ से ये है CHP डिपार्टमेंट कोल हैंडलिंग प्लांट। ये पूरा का पूरा जो देख रहे हो एरिया ना वो कोल हैंडलिंग प्लांट का एरिया है। ये काफ़ी दूर में होता है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि पूरे पावर प्लांट का जो एरिया 100% है ना उसमें का 60-70% एरिया अकेले CHP डिपार्टमेंट कवर करता है, बाकी के 30-40% में पूरा का पूरा प्लांट होता है। ये मेन बॉयलर प्रेशर पार्ट, उसके अलावा स्विच यार्ड हो गए, ESP हो गई, चिमनी हो गई, कूलिंग टावर हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ना ये 30-40% में होते हैं और बाकी का जो CHP डिपार्टमेंट है वो 60-70% एरिया अकेले कवर करता है। आप खुद देख लो, मैं अभी यूनिट नंबर 1 में हूँ और यहाँ से लेके आगे तक यूनिट नंबर 6 है कंप्लीट। और इस वक्त मैं इकोनोमाइजर फ्लोर पर हूँ, इकोनोमाइजर के टॉप पोजीशन पर, और ये हाइट है अप्रोक्स 55 मीटर की। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर नहीं दिखाई देंगी, मैं फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर जब मैं बॉयलर के टॉप पोजीशन पर जाऊँगा 77 मीटर की हाइट पर, तब वहाँ से आपको एक बार व्यू दिखाऊँगा CHP डिपार्टमेंट का। कि आप जितनी भी लाइनें देख रहे हो ना, ये वाइट कलर की, ये वाली, वो सारी नीली वाली, ये सारी कन्वेयर की लाइन है। कोयला उसी CHP से ये सारे कन्वेयर के थ्रू बॉयलर तक पहुंचता है। ये यूनिट नंबर 1 की कन्वेयर लाइन है। एक तरफ में देखो ये बंकर का एरिया है, बिल्कुल पास में हूँ मैं इसलिए आपको जूम दिखाई दे रहा होगा। ये देखो उस एंड तक, वहाँ से लेके यहाँ तक, ये यूनिट नंबर 1 का बंकर है और ये लेफ्ट साइड का है। ऐसे ही एक राइट साइड में भी है। लेफ्ट साइड की तरफ में 4 मील हैं बॉयलर की और राइट साइड की तरफ में 4 मील हैं, टोटल 8 मील हैं यहाँ पर। और ये जो मील हैं वो सारी बॉल मील हैं।